स्टील स्क्रैप से लदे ट्रक को लूटने वाले गिरोह के दो सदस्यों को सनलाइट कॉलोनी पुलिस ने दबोचा है। इनकी पहचान छतरपुर के महेश शर्मा उर्फ चिंटू उम्र 48 वर्ष और बुराड़ी के जितेंद्र सिंह उम्र 39 वर्ष के तौर पर हुई है। इनसे वारदात में इस्तेमाल होने वाले दो मोबाइल बरामद हुए हैं। महेश पर मर्डर और लूट समेत 8 मुकदमे हैं, जबकि जितेंद्र पर हत्या का प्रयास और लूट समेत 5 केस हैं। दोनों कोई काम नहीं होने से क्राइम की दुनिया में आ गए। इस केस में मीठापुर के मनोज कुमार राय, मुकेश और छोटे लाल गुप्ता की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस लूटा गया पूरा माल भी बरामद कर चुकी है। डीसीपी साउथ ईस्ट आरपी मीणा ने बताया कि 11 जून को सराय काले खां में ट्रक नंबर DL13XXX की डकैती के संबंध में एक पीसीआर कॉल पीएस सनलाइट कॉलोनी में प्राप्त हुई थी। मामले की गंभीरता देखते हुए सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फोन करने वाले ट्रक मालिक से मिली। ट्रक मालिक ने बताया कि उनके ट्रक में जीपीएस सिस्टम है और ट्रक का अंतिम स्थान मीठापुर इलाके में है। पुलिस टीम ट्रक मालिक के साथ जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करते हुए ट्रक की अंतिम लोकेशन पर पहुंची। ट्रक दिल्ली के मीठापुर के साईं लीला गार्डन मीठापुर में खड़ा मिला। चेक करने पर पता चला कि लुटेरे स्टील स्क्रैप का आधा माल ले जा चुके थे। शेष सामान के साथ ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया गया था। ट्रक ड्राइवर सतवीर सिंह पीसीआर स्टाफ को घायल अवस्था में मथुरा रोड पर मिला, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच अधिकारी एसआई अरुण कुमार ट्रक चालक सतवीर सिंह का बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल पहुंचे। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि 10 जून की रात लगभग 11:30 वो छतरपुर से कुल 3 टन स्टील कबाड़ लोड करके सोनीपत के लिए रवाना हुआ। रात करीब 12:30 बजे जब वो दिल्ली के सराय काले खां स्थित IGL CNG पंप पहुंचा, तो उसने CNG भरने के लिए ट्रक को CNG की कतार में खड़ा कर दिया। इसी दौरान 3 बदमाश जबरन ट्रक में घुस गए और उसे बांधकर केबिन में डाल दिया। खुद ट्रक चलाकर सरिता विहार ले गए और मथुरा रोड पर उसे नीचे फेंक दिया। इसके बाद चालक ने अपने मालिक को सूचना दी। मालिक ने तुरंत 100 नंबर डायल करके इस वारदात की सूचना पुलिस को दी। वारदात की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। वारदात सराय काले खां इलाके में हुई थी, इसलिए थाना सनलाइट कॉलोनी में IPC धारा 365/394/34 के तहत FIR संख्या 312/21 दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। दक्षिण पूर्व दिल्ली लाजपत नगर के ACP मनोज कुमार सिन्हा ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए अपने मार्गदर्शन में जांच के लिए प्रेम सिंह नेगी SHO सनलाइट कॉलोनी, SI अरुण कुमार हेड कांस्टेबल, अभिलाष कांस्टेबल, अर्जुन कांस्टेबल, अनुज कांस्टेबल अमृत और कांस्टेबल हरीश की एक टीम बनाई। इस मामले में 3 आरोपी मनोज कुमार, मुकेश और छोटे लाल गुप्ता को लूटे गए सामान के साथ पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बचे हुए इनके साथियों की धरपकड़ में जुट गई। टीम ने फरार आरोपी व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों के मोबाइल की CDR से कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले, मुखबिरों का जाल फैलाया। CDR और मोबाइल IMEI की निरंतर निगरानी और गुप्त सूचना के बाद यह पाया गया कि आरोपी व्यक्ति जल विहार दिल्ली में आ रहे हैं। इस सूचना पर ट्रैप लगाकर फरार दो आरोपी महेश शर्मा चिंटू पुत्र उम्र 48 वर्ष और जितेंद्र सिंह उम्र 39 वर्ष को दबोच लिया गया। पूछताछ करने पर आरोपी महेश शर्मा उर्फ चिंटू ने खुलासा किया कि वो अपने परिवार के साथ छतरपुर दिल्ली में किराए पर रहता है। उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। आजीविका कमाने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए अपराध करना शुरू कर दिया। वो पहले हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 8 मामलों में शामिल था। उसके साथियों जितेंद्र सिंह, मनोज बिहारी, मुकेश गुप्ता और विनोद ने ट्रक लूट लिया था। वो ट्रक को मीठापुर ले गया था और लोडेड स्टील स्क्रैप सामग्री को एक चैंपियन वाहन का उपयोग करके दिल्ली के मीठापुर के एक गोदाम में स्थानांतरित कर दिया था। पूछताछ में दूसरे आरोपी जितेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि वो अपने परिवार के साथ बुराड़ी दिल्ली में रहता है, 12वीं तक पढ़ा है, आजीविका कमाने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है। नतीजतन वो कर्जदार हो गया और जल्दी पैसा कमाने के लिए अपराध करने लगा। वो पहले हत्या के प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 5 मामलों में शामिल है। उसने अपने साथियों महेश शर्मा उर्फ चिंटू, मनोज बिहारी, मुकेश गुप्ता और विनोद के साथ मिलकर ट्रक को लूट लिया था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।